दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के राजनीतिक गतिविधियां बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से शुरू हो गई हैं। बहुत ही जल्द चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें डिक्लेयर करने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रही है। कई पार्टियां तो अपने कई उम्मीदवार भी घोषित कर चुकी हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। अब ऐसे में कल ही खबर आई है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक रखी थी, जो कि देर रात तक चली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक में सभी प्रमुख सीटों पर उनके उम्मीदवारों पर चर्चा की गई होगी और मंथन किया गया होगा। अब सूत्रों के हवाले से कई सीटों पर कई प्रमुख नाम सामने आए हैं। आइए उन सीटों पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं किन सीटों पर कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। देश की सबसे प्राइम सीट, सबसे प्रमुख सीट वाराणसी से सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ेंगे और उनका नाम बिल्कुल तय है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार दक्षिण की भी किसी सीट से चुनाव लड़े, क्योंकि दक्षिण भारत बीजेपी की उत्तर के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर कड़ी है। वे चाहेंगे कि उनकी लोकप्रियता का फ़ायदा वहां पर अन्य उम्मीदवारों को मिले। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ या गाज़ियाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर से अपना चुनाव लड़ सकते हैं। राजस्थान की जोधपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ सकते हैं। गुना सीट से, मध्य प्रदेश की गुना सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी का नाम बिल्कुल तय माना जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि 2014 और 2019 का चुनाव स्मृति ईरानी ने अमेठी से लड़ा था, जिसमें 2014 में उन्हें राहुल गांधी के सामने हार मिली थी और 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान का नाम तय माना जा रहा है। उड़ीसा की पूरी सीट से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का नाम तय माना जा रहा है। महेंद्रगढ़ से भूपेंद्र यादव का नाम तय माना जा रहा है। अरुणाचल की किसी सीट से बीजेपी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को मौका दे सकती है। राजस्थान की बीकानेर सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तराखंड की नैनीताल सीट से अजय भट्ट का नाम तय माना जा रहा है। गोरखपुर से अभिनेता रवि किशन चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2019 में भी रवि किशन ने गोरखपुर से चुनाव लड़कर जीता था और संसद वहीं से पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले हमेशा गोरखपुर से ही चुनाव लड़ते थे। इसके अलावा मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान चुनाव लड़ सकते हैं। डिब्रूगढ़ से असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का नाम सामने आ रहा है। हुगली से महिला नेत्री लोकेट चटर्जी चुनाव लड़ सकती है। मेदिनीपुर से दिलीप घोष का नाम तय माना जा रहा है। इंदौर से रमेश मेंदोला का भी नाम सामने आया है, जो कि विधायक है और कई बार के विधायक है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम माना जा रहा है और ग्वालियर से पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन नरोत्तम मिश्रा का नाम तय माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इसमें से कितनी सीटों पर ये जो नाम है ये फाइनल होते हैं।